वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता वहां तिरंगा लहराने के लिए गए थे तो उनको पुलिस ने वहां से पकड़ कर वापस पुलिस स्टेशन लेके गए, उनको रोका गया तिरंगा फहराने से। कहां? श्रीनगर में लाल चौक। तो श्रीनगर जो कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है ऐसे हम कहते हैं, कि उनसे 70 हटा दिया है, फिर भी अगर हम हमारे लोगों को वहाँ तिरंगा लहराने से रोकते हैं तो कश्मीर में क्या बदलाव होगा, ये लोगों के मन में प्रश्न है। कहीं ना कहीं जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कर रही है, उनको क्या आपको लगता है उनको नज़रअंदाज एक बार करना चाहिए? सिर्फ महबूबा मुफ्ती क्यों, फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा कि हम चीन की मदद लेंगे। जी हाँ सर, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और एक पार्टी है, ये अगर चीन की मदद से 370 वापस वहाँ इम्पोज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ने बहुत ही कठोर कदम उठाने चाहिए। अगर कोई लाल चौक में जाकर या श्रीनगर में या कश्मीर में तिरंगा लहराने की कोशिश करता है तो उनको रोकने का जो प्रयास होता है मैं उसे भी राष्ट्रद्रोह मानता हूँ। सर, जिस तरह से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, क्या उसकी भी चर्चा चालू, क्या शिवसेना का क्या पक्ष रहेगा, क्या आपको लगता है लागू करना चाहिए प्रदेश में? डेफिनेटली शिवसेना ने कभी भी अपने विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ा है। हमने पहले भी कहा था इस देश में समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए, अगर सरकार लाती है इस प्रकार का कोई तो निर्णय लेंगे, उसमें क्या है। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता वहां तिरंगा लहराने के लिए गए थे तो उनको पुलिस ने वहां से पकड़ कर वापस पुलिस स्टेशन लेके गए, उनको रोका गया तिरंगा फहराने से। कहां? श्रीनगर में लाल चौक। तो श्रीनगर जो कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है ऐसे हम कहते हैं, कि उनसे 70 हटा दिया है, फिर भी अगर हम हमारे लोगों को वहां तिरंगा लहराने से रोकते हैं तो कश्मीर में क्या बदलाव होगा, ये लोगों के मन में प्रश्न है। कहीं ना कहीं जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कर रही है, उनको क्या आपको लगता है उनको नज़रअंदाज एक बार करना चाहिए? सिर्फ महबूबा मुफ्ती क्यों, फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा कि हम चीन की मदद लेंगे। जी हाँ सर, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और एक पार्टी है, ये अगर चीन की मदद से 370 वापस वहाँ इम्पोज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ने बहुत ही कठोर कदम उठाने चाहिए। अगर कोई लाल चौक में जाकर या श्रीनगर में या कश्मीर में तिरंगा लहराने की कोशिश करता है तो उनको रोकने का जो प्रयास होता है मैं उसे भी राष्ट्रद्रोह मानता हूँ। सर, जिस तरह से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, क्या उसकी भी चर्चा चालू, क्या शिवसेना का क्या पक्ष रहेगा, क्या आपको लगता है लागू करना चाहिए प्रदेश में? डेफिनेटली शिवसेना ने कभी भी अपने विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ा है। हमने पहले भी कहा था इस देश में समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए, अगर सरकार लाती है इस प्रकार का कोई तो निर्णय लेंगे, उसमें क्या है।